वेलकम टू योर स्मार्ट क्लासेस, दिस इज़ पूजा शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सेवेंथ चैप्टर ऑफ ओलंपियाड साइंस, इट्स एयर वाटर एंड वेदर। लेट्स रीड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दिस लेसन विल हेल्प यू टू स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर। ये लेसन आपको हेल्प करेगी स्टडी करने में एयर और वाटर की इम्पॉर्टेंस के बारे में स्टडी करने में, ये लेसन आपकी मदद करेगी। दिस लेसन विल हेल्प यू टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स। ये लेसन आपको हेल्प करेगी जानने में अलग अलग तरीके के सीजन्स के बारे में। दिस लेसन विल हेल्प यू टू नो अबाउट सन, मून एंड स्टार। ये लेसन आपको जानने में मदद करेगी सन, मून और स्टार्स के बारे में। अमेजिंग फैक्ट्स रीड कर लेते हैं। ऑन अर्थ वी आर लकी टू हैव एन एटमोसफेयर फिल्ड विद एयर। अपने अर्थ पे हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें एयर जैसा एटमॉस्फेयर प्राप्त है। हमारे अर्थ पे जो वायुमंडल में हवा इंसुलेशन का काम करती है, जिससे जो अर्थ है वो बहुत कभी कभी ठंडी हो जाती है, कभी कभी गर्म हो जाती है। क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू, हैव यू फिल्ड एयर इन योर बस साइकिल और इन फुटबॉल्स। क्या आपने कभी बाईसाइकिल में और फुटबॉल में हवा भरी है? एयर गिव्स शेप टू ऑब्जेक्ट्स। जो हवा होती है वो ऑब्जेक्ट को शेप देती है। जैसे फुटबॉल में जब हवा नहीं होता तो उसकी शेप कुछ नहीं होती, उसमें जब हवा भरते हैं तो उसकी एक सकल शेप बन जाती है। आपने बैलून में भी हवा भरी होगी ज़रूर। लेट अस नो अबाउट एयर। चलिए हम एयर के बारे में बात कर लेते हैं। एयर, एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। जो हवा है हमारे आसपास है। वी फील एयर व्हेन इट मूव्स बट वी कांट सी इट। हम हवा को महसूस कर पाते हैं जब हवा चलती है तो, पर हम कभी हवा को देख नहीं पाते। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ। जो जीव हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है, उन सभी को हवा की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए। विदाउट एयर देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। बिना हवा के अपने अर्थ पे कोई लाइफ नहीं होती, तो हमें सांस लेने की बहुत ज़रूरत होती है। और हम सांस कैसे ले पाते हैं? हवा की वजह से हम सांस ले पाते हैं। यूज़ ऑफ एयर, एयर का यूज़ पढ़ लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रेथ। जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो उन्हें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। बैलून एंड फुटबॉल और ह्यूमन बींग्स को भी, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, उन्हें भी सांस लेने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उनके लिए भी हवा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बैलून एंड फुटबॉल आर फिल्ड विद एयर। जो बैलून है, जो फुटबॉल है, ये सब हवा से ही भरे होते हैं। एयर हैज़ वेट। जो हवा होता है उसका वजन होता है। फायर नीड्स एयर टू बर्न। आग जलाते वक्त भी हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एयर इज़ यूज टू ड्राई क्लोथ्स। हम कपड़े सुखाने के लिए हमें एयर की आवश्यकता पड़ती है। हम धूप में कपड़े सुखाते हैं और हवा चलती है। एयर इज़ यूज टू फिल टायर्स, फुटबॉल, बैलून एक्सेट्रा। जो हवा होती है उससे हम टायर भर पाते हैं, फुटबॉल में हवा भर पाते हैं और बैलून्स में भी हवा भरते हैं। एयर कैन नॉट बी सीन। जो हवा है उसे हम देख नहीं सकते। वी कैन ओनली फील इट। उसे हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो हवा चलती है उसे हम विंड बोला करते हैं। जो स्लो मूविंग विंड इज़ कॉल्ड ब्रिज। जो हवा धीमी चलती है उसे हम ब्रीज बोला करते हैं। द फास्ट मूविंग विंड इज़ कॉल्ड स्टॉम। जो बहुत तेज़ हवा चलती है उसे हम स्टॉम बोला करते हैं। विच कैन डैमेज आर हाउस। जो कि हमारे घर को नुकसान पहुंचा सकती है। बात करते हैं वाटर की। वाटर इज़ नीडेड फॉर लाइफ। जो पानी है वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है।
वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड एट्सेट्रा. जो पानी है वो ओशियन में प्राप्त होता है, रिवर्स में मिलता है, लेक्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है. रिवर्स ओशियन समुद्र, रिवर नदी, लेक्स झील, झीलें जो होती हैं उन्हें हम लेक्स बोला करते हैं. पॉन्ड्स तालाब, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पानी पीने के लिए पानी हम पिया करते हैं. बाथिंग नहाने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, एंड वॉशिंग धोने के लिए भी, हमें कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है. यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ड्रिंकिंग बाथिंग कुकिंग वॉशिंग. यहाँ पर पढ़ लेते हैं, डू यू नो वाटर कवर्स अराउंड 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस. द थ्री लार्जेस्ट ओशियंस ऑन अर्थ आर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन. क्या आप जानते हैं जो पानी है वो हमारे अर्थ पे 70% उसने एरिया को कवर कर रखा है. द थ्री लार्जेस्ट ओशन जो हमारे अर्थ पे तीन बड़े ओशियंस हैं. फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन, दूसरा है अटलांटिक ओशियन, तीसरा है इंडियन ओशियन. आगे देखते हैं, वाटर कंजर्वेशन, हम वाटर कैसे कंजर्वेट करते हैं. वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आर लाइफ, जो पानी है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए. लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. जो लाइफ है वो बिना पानी के पॉसिबल है ही नहीं. वाटर कैन बी स्टोर्ड इन डैम्स, जो पानी है वो डैम्स में हम इकट्ठा कर पाते हैं. डैम्स हो गया, वेल्स हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, इन सब में हम वाटर को जो लैक्स है एट्सेट्रा, इन जगह पर हम पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं. और इस पानी की सेविंग से हम इस पानी को जब ज़रूरत पड़े तब हम इनको यूज़ में भी ला सकते हैं. बांध में, कुएं में, तालाब में, नदियों में, झील में, इन सबको हम स्टोर करके रख सकते हैं पानी को. वाटर कैन बी रीयूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज क्लीनिंग, वॉशिंग, इरीगेशन एट्सेट्रा. जो पानी होता है उसे हम रीयूज़, दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पजेज, अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे कि क्लीनिंग के लिए, घर साफ करने के लिए, वॉशिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, इरीगेशन सिंचाई के लिए. हम सिंचाई करते हैं, पौधों में पानी देते हैं, खेतों में पानी देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन, ये वाटर कंजर्वेशन है. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग अ शॉर्ट और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो मौसम है वो एक इज़ द कंडीशन ऑफ द, जो मौसम है वो छोटे समय के लिए, बड़े वक्त के लिए, ये अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं. वी हैव मेनली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेदर, हमें कुछ इस प्रकार के वेदर्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं. यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है, विंटर है. बात करते हैं समर की. इन समर्स दे आर वेरी हॉट, समर में क्या होता है, जो दिन होते हैं बहुत गर्म होता है. और विंटर में, या वी वियर क्लोथ, कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स पहना करते हैं. ऑटम, इन दिस वेदर, इस मौसम में, ट्रीज शेड देयर लीव्स, जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं. द वेदर इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, जो ये वेदर होते हैं वो ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है. स्प्रिंग इन दिस वेदर, इस वेदर में न्यू लीव्स ग्रो ऑन ट्री, इस वेदर में नए पत्ते उगते हैं ट्रीज पर. एंड डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम, और अलग अलग तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी उपज भी होती हैं. वसंत ऋतु होते हैं ये. फोर्थ विंटर,
सर्दी के मौसम में, इन दिस वेदर, इस मौसम में डेज एंड नाइट आर वेरी कोल्ड, दिन और रात दोनों ही बहुत ठंडा होता है। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन द विंटर, हम सर्दियों में ऊनी के कपड़े पहना करते हैं। मॉनसून, इन दिस वेदर, इस वेदर में इट रेन्स हैविली, बहुत तेज बारिश हुआ करती है मॉनसून के वेदर में। वी नीड रेनकोट एंड अम्ब्रेला इन दिस वेदर, इस वेदर में, इस मौसम में हम रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। मिसकंसेप्ट एंड कंसेप्ट, मिसकंसेप्ट, स्टार्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, जो स्टार्स है, जो तारे हैं, वो बहुत छोटे होते हैं साइज में। नहीं, ऐसा नहीं होता। कंसेप्ट, स्टार्स आर लार्ज इन साइज, जो तारे होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं। दे अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस, ये हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे है। मिसकंसेप्ट, मून हैज़ इट्स ऑन लाइट, मिसकंसेप्ट ये है कि मून की जो लाइट है वो उसकी खुद की है। कंसेप्ट है, मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, जो चांद है उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, रोशनी नहीं होती। मून शाइन्स बिकॉज द लाइट ऑफ सन फॉल्स ऑन इट, यस, जो चांद है वो चमकता इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। आगे देखें, वेदर डिपेंड्स अपॉन सन क्लाउड्स एंड विंड, जो वेदर है वो डिपेंड करता है सूरज पे, क्लाउड मतलब बादलों पे, और विंड हवा पर। सन, अब यहाँ पर हम सन के बारे में पढ़ लेते हैं। सन, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सन जो होता है वो ईस्ट में उगता है और वो जाकर कहाँ ढलता है, वेस्ट में। द सन इज़ राउंड एंड वेरी हॉट, जो सन होता है वो गोल होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इट इज़ वेरी बिग, वो बहुत बड़ा होता है। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट, वो हमें लाइट देता है और बहुत वो गर्मी भी देता है। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, जो सन है वो भी एक स्टार है। मून, द मून शाइन्स एट नाइट, जो चांद है वो रात को चमकता है। द मून लुक्स लाइक अ बिग वाइट बॉल, जो मून होता है वो दिखने में ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा सफ़ेद बॉल है। द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी नाइट, जो चांद की जो शेप है वो हर रात को बदलती है। मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, जो चांद है उसका खुद की कोई रोशनी नहीं होती। हमने यहाँ पर पढ़ा था कंसेप्ट मिसकंसेप्ट में कि जो चांद होता है उसको, उसकी जो रोशनी होती है वो चांद खुद नहीं चमकता, उसको उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। स्टार, वी सी स्टार इन द स्काई एट नाइट, हम तारों को बादल में देखते हैं रात के वक्त में। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, जो चांद होते हैं वो हमसे बहुत दूरी पे होता है। दैट इज़ वाई दे अपीयर वेरी स्मॉल, इस वजह से वो हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। डू यू नो, राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस इन 1984, क्या आपको पता है जो राकेश शर्मा जो हैं वो पहले फर्स्ट इंडियन वो टू गो टू द स्पेस, वो पहले इंडियन थे जो कि स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे 1984 में। वो राकेश शर्मा पहले इंडियन व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे 1984 में। अमेजिंग फैक्ट्स, सन विच गिव्स अस ब्राइट लाइट इन द डे इज़ एक्चुअली अ स्टार, जो सन है, जो सूरज है, जो हमें दिन में रोशनी देता है, वो एक्चुअली में एक तारा है। सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार, दैट इज़ वाई इज़ इट अपीयर्स बिग एज कम्पेयर टू अदर स्टार, जो सन है वो बहुत करीबी बहुत क्लोज है, बहुत क्लोजेस्ट स्टार है, बहुत नज़दीक में, ये जो तारा है वो बहुत क्लोज है, जैसे कि और जो तारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, और जो सन है वो और उन तारों की मुकाबले वो जो सन है वो हमसे उस हिसाब में करीब है,
और इस वजह से वो हमें देखने में बहुत बड़ा दिखता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स। अगर हम अदर स्टार्स से कंपेयर करें तो जो सन है वो हमसे क्लोज में भी है और इसलिए हमें देखने में बहुत बड़ा भी दिखता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस। लेट अस चेक कि हमें चैप्टर समझ आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ दीज सीजन वेदर इज़ नीदर हॉट और कोल्ड। कौन से सीज़न में जो वेदर है वो ना ही तो हॉट हो गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो इन द स्प्रिंग एंड ऑटम सीज़न वेदर इज़ नीदर हॉट और कोल्ड। तो सो बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सन गिव्स अस डैश। सन हमें क्या देता है? सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर थ्री, फुटबॉल एंड टायर आर फिल्ड विद। किससे भरा होता है फुटबॉल और टायर? एयर से भरा होता है। फुटबॉल एंड टायर ट्यूब्स आर फिल्ड विद एयर्स। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर लाइटिंग फायर वी नीड वॉट। हाँ, आग जलाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? फॉर लाइटिंग अ फायर वी नीड एयर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, इट इज़ ड्यू टू वॉट। हमें पिक्चर देखना है और देखना है कि ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू वॉट? दिस इज़ ड्यू टू स्टॉर्म। आप देख रहे हैं कि कपड़े उड़ रहे हैं और सब कुछ बिखर रहा है, तो ये हाँ तेज़ हवा जब चलती है तब ऐसा होता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। कॉटन क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग डैश सीजन। हाँ, जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो कब हमें पहनने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स आर प्रेफर इन समर सीज़न, समर सीज़न में पहनने चाहिए। होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।